एक गांव में एक गरीब अनाथ बुढ़िया रहती थी। उसको मोहल्ले वाले उसकी मदद कर दिया करते थे, उसे खाने पीने और पहने के लिए कपड़े दे दिया करते थे। एक दिन तीन चोर मोहल्ले में घूम रहा था तो उसकी नजर बुढ़िया की झोपड़ी पे पड़ी और वह आपस में बात कर रहे थे कि इस बुढ़िया के पास बहुत पैसा होगा, बुढ़िया धन दबा कर बैठी होगी, चलो इसी घर आज चोरी करेगी। फिर तीनों चोर बुढ़िया के झोपड़ी में घुसते हैं और तब चोर बोलता है कि अरे बुढ़िया, चल जितना पैसा दबा कर रखी है सब निकाल और मुझे दे। बुढ़िया बहुत चतुर थी, वह बोली अरे मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे तो जो पड़ोसी कुछ खाने को और पहने को देते हैं उसे मैं गुजरा चलता है। तब चोर बोलता है कि चल बुढ़िया बहाने मत बना, मुझे पता है कि तुम बहुत सारा धन दबा कर बैठी हो। तब बुढ़िया को तरकीब सूझी कि ये लोग ऐसे नहीं जाएगा, इसको सही रास्ता दिखानी पड़ेगी। फिर चोर से बुढ़िया बोली कि ठीक है, तुम लोग इतना बोल रहे हो तो एक जगह मैं बाहर में धन दबा कर रखे है। फिर वह बाहर निकल गए, रास्ते पर चलते चलते थक गया और बोला कि अरे बुढ़िया कितना चलना पड़ेगा। बुढ़िया को फिर पुलिस दिखाई देता है और फिर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगती है। तीनों चोर पूछते हैं कि क्या हुआ। इतने में उधर से पुलिस आ जाता है और फिर बुढ़िया बोलती है कि ये तीनों चोर है, ये लोग को जल्दी पकड़ लीजिए। फिर पुलिस तीनों चोर को पकड़ लिया। इस तरह बुढ़िया की चालाकी से तीनों चोर पकड़ा जाते हैं और सभी गांव वाले बुढ़िया के तारीफ करते हैं कि आज बुढ़िया के वजह से सभी के घर चोरी होने से बच गई।